आज मैं अपने किचन में मावा मालपुआ बनाने जा रही हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं मावा मालपुआ बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो हम लेंगे मैदा 1 कप 100 ग्राम और मावा लेंगे हम 1 कप यानी 200 ग्राम। ये हमने फुल क्रीम मिल्क से घर पे ही मावा बनाया है। और चीनी लेंगे हम 1 कप 200 ग्राम और लेंगे हम गुनगुना दूध 1 कप। पानी लेंगे तलने के लिए, तेल लेंगे 1 पिंच, इलायची पाउडर लेंगे, केसर और दूध मिक्स करके हमने रखा है चाशनी में डालने के लिए, 6 से 7 बादाम हैं, 6 से 7 पिस्ते हैं। तो चलिए हम मावा मालपुआ बनाने की तैयारी कर लेते हैं। चलिए हम जार में मैदे को डाल देते हैं। मैदा डाल दिया हमने, मावा डाल दिया। अब दूध को थोड़ा थोड़ा करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। हमारा बैटर अच्छे से बन गया है। हमारा बैटर ऐसा बनना चाहिए, ज़्यादा ना गाढ़ा ना पतला। तो हमने इस कप से 1 कप दूध लिया था, सारा दूध लग गया इसमें। चलिए इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। हमारा बैटर बहुत अच्छे से बन गया है, इसको हम ढक कर 20 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम चाशनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए हम चाशनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। 1 कप चीनी डालेंगे, 1 कप पानी डाल देंगे और फ्लेम हाई कर देंगे। हमें एक तार की चाशनी बनानी है तो इसको अब हम ढक देंगे। चलिए हमारी चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और चाशनी में उबाल भी आ गया है। तो हम इसमें अब डाल देंगे केसर वाला दूध। इससे केसर से हमारी चाशनी में कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है और चाशनी से साफ भी हो जाएगी। तो इसको हम उबलने देते हैं। हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है या नहीं तो हम इसको चेक कर लेते हैं। हमें एक तार की चाशनी बनानी थी तो ये एक तार की चाशनी बन गई है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम मावा मालपुआ बनाने की तैयारी करते हैं। चलिए 20 मिनट हो गए हैं, हमारा बैटर तैयार हो गया है, चाशनी भी ठंडी हो गई है। तो इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इसको ढक देंगे। ये हमारा तेल भी गर्म हो गया है तो बैटर में से थोड़ा सा डालकर चेक कर लेते हैं। बैटर हमारा अच्छा बना है तो अब हम इसमें डालेंगे और फ्लेम को लो पर ही रखेंगे, नहीं तो जल जाएगा। अब हम इसको आराम से पलट लेंगे। अब इसको हम दूसरा डालेंगे।
ऐसे ही लो फ्लेम पे हम सारे पुए को तलकर आराम से निकाल लेंगे। ये हमारे मालपुए कितने अच्छे फूल रहे हैं। मालपुए अगर अच्छे से फूल रहे हैं तो समझिए आपका बैटर बहुत अच्छे से बना था और मालपुए आपके बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अगर नहीं फूलते हैं तो बैटर अच्छा नहीं बना था और मालपुए आपके हार्ड बनेंगे। तो हमें इसे लो फ्लेम पर ही तलना है। अब हमारे मालपुए अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इसको हम सारे तेल को निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। ये दूसरा जो हमने डाला था अब उसको भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। हम पलटे से सारे तेल को दबा दबा कर ऐसे निकाल कर प्लेट में रखते जाएंगे। ऐसे ही हमारे सारे पुए तल गए। अब इसको हम देखिए सारे पुए हमने अच्छे से तल लिए हैं। अब इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसको चाशनी में डाल देंगे। अब हमारे पुए ठंडे हो गए हैं, हम इसमें एक एक करके इसको डाल देंगे। और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको निकाल कर सर्व कर लेंगे। अब हमने इसको चाशनी से निकाल कर प्लेट में रख दिया है। हमारे मालपुए अब रेडी हैं। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।